R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। कुलभूषण जाधव मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कुलभूषण जाधव से मुलाकात हुई है पाकिस्तान में तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर, उनसे दरअसल मुलाकात हुई है और 2 से 2.5 घंटों तक ये मुलाकात चली है। और पहले ये कहा जा रहा था कि विदेश मंत्रालय के किसी ऑफिस में ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से पाकिस्तान का एक नया पैंतरा देखने को मिला। एक अज्ञात स्थान पर उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 2 से 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। और इस बार पाकिस्तान के सामने जो शर्त रखी थी भारत ने कि पाकिस्तान का कोई अधिकारी नहीं रहेगा, उस शर्त को माना था पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने दोनों की मुलाकात अज्ञात जगह पर करवाई है। 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। हालांकि इससे पहले कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी भी उनसे मिल चुके हैं, लेकिन अब जबकि ICJ ने यह कहा था कि उनकी वियना संधि के तहत मुलाकात होनी चाहिए, डिप्टी हाई कमिश्नर आज मिलने गए, 2 से 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली, इस वक्त की बड़ी खबर। और वियना संधि के तहत ये भी आपको बता दें कि पिछले महीने भी दरअसल ये मुलाकात होनी थी, लेकिन तब कुछ शर्तें डाल दी थी पाकिस्तान ने, लेकिन अब पाकिस्तान का रुख नरम पड़ा है और बिना शर्त के ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।